अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख साहब, मुझे आपसे एक सवाल था लड़कियों की मेहर के बारे में। जो लड़की का जो मेहर होता है शादी करके लाने के समय, उसका मेहर तो आधा उसको मिल जाता है जेवरात में, और जो बाकी आधा रहता है अगर उसको हम उसको ये देना चाहे, वो अगर ना ले, वो ये बोला हमको नहीं चाहिए ऐसा बोलता है, तो क्या कोई गुनाह है? ये हमारे एक भाई साहब है, इनका पूछना ये है कि औरत की शादी होती है तो उसका जो मेहर होता है वो दो हिस्सों में होता है। एक तो जगह पे अदा हो जाता है और एक बाकी रहता है, यानी एक थोड़ा सा उधार कर देते हैं। और ये तरीका भी गलत है। आदमी अगर किसी मजबूरी की वजह से मेहर को टाल देता है, मुअख्खर कर देता है उसकी अदायगी को, तो कोई मसला नहीं, उसकी गुंजाइश है, उसकी दलीलें मौजूद है। लेकिन हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऐसी आदत बनी हुई है, यानी शादी ब्याह में इतना ज़्यादा खर्चा, फजूल के खर्चे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, उनके लिए पैसा आ जाता है सबके पास, लेकिन मेहर अदा करने के लिए नहीं, वो बाद में थोड़ा सा दे देते हैं, थोड़ा सा बाद में अदा करेंगे। तो ये तरीका गलत है। सबसे पहली बात ये कि जगह पे वो चीज़ अदा होनी चाहिए, मेहर बिला वजह उसकी ताखीर नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि आधा तो दे दिया था, बाकी आधा अगर वो नहीं लेती है तो उसको ना देना ठीक है कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। आपको देना है किसी भी तरह से, और ये हो ही नहीं सकता कि एक औरत ये कहे कि हमें मेहर नहीं चाहिए। हाँ, आदमी हड़प कर ले अलग अंदाज से बात करके, अलग अंदाज से बोल के, तो अलग चीज़ है, लेकिन एक औरत कहे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो लाखों करोड़ों में कोई एक केस हो सकता है जहाँ ये औरत बोलती हो कि हमको नहीं चाहिए। ये औरत सुबह शाम खर्चे का तकाजा करेगी, आपसे पैसों का तकाजा करेगी, और बहुत सारे खर्चे उसके होंगे। तो ये सारे अखराजात आपसे तलब करे और मेहर के बारे में कहें हमको नहीं चाहिए, तो बड़ा ही अजीब अजीब बात है। अगर कोई औरत ऐसी हो जिसको कुछ भी नहीं पैसा चाहिए, बस आप खाने पीना थोड़ा बहुत मतलब है, तो चलो थोड़ा बहुत उसके बारे में समझ में आ सकता है। लेकिन आज की जो खवातीन हैं उनको तो बहुत सारे खर्चे चाहिए, तो ये कैसे मुमकिन है कि वो ये कह दे कि मुझको मेहर नहीं चाहिए? ये तभी मुमकिन है जब उसकी जहनसाजी की गई हो, उस पर दबाव डाला गया हो, उसको ब्लैकमेल किया गया हो, और उसने कहा ना हो बल्कि कहलवाया हो, जैसे विरासत में होता है, बहनें कहती हैं भैया हमको नहीं चाहिए, हमने माफ़ कर दिया, दे दिया। ये सब कोई अपनी मर्जी से बोलता है, कोई नहीं अपनी मर्जी से बोलता है, ये बुलवाया जाता है। ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि बहनें मजबूर होती हैं बोलने के लिए। तो ऐसे मेहर में भी बीवी के साथ ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि वो बेचारी बोलती है कि हमको नहीं चाहिए किसी वजह से, और इस एतबार से ये नहीं कहा जा सकता आपको कि ये जायज़ है। तो मेहर शादी का एक अहम खर्चा है जो शरीयत से साबित है। तो ये अजीब बात नहीं है कि जो खर्चा शरीयत से साबित है उससे आदमी भाग रहा है, और जिस खर्चे का बोझ शरीयत ने मियां बीवी के कंधे पे रखा ही नहीं, खानदान के कंधे पे रखा नहीं, वो खर्चा हम अपने सर पे लेके घूम रहे हैं, अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं। ये जहेज की बात है, ये दावतें इतनी महंगी महंगी, और ये हॉल बुक करना, ये सारे खर्चे किसने बताए? ना अल्लाह ने, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी ने ऐसी तालीम नहीं दी। वो सारे खर्चे हम कर रहे हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। और ये मेहर की बात आती है तो नहीं, वो माफ़ कर दिया, नहीं देना, ये वो अजीब तरह की बात है। ये बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है कि शरीयत से जो चीज़ साबित है आदमी उससे भाग रहा है, और जो चीज़ शरीयत से साबित नहीं है आदमी ने कहीं और से लिया, बल्कि किसी और मजहब से, किसी और धर्म से उसको अडॉप्ट किया है, उस पर खर्चे करते जा रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारे इस्लाम ने जो चीज़ बताई है उससे आदमी छुटकारा चाहता है, ये बहुत बदनसीबी की बात है। खुलासा ये कि औरतों के लिए शादी में जो मेहर तय की जाती है उसमें किसी भी किस्म की बेईमानी नहीं करना चाहिए, किसी भी किस्म की चोरी नहीं करना चाहिए, ये उनका हक है, उनको दे देना चाहिए। और अगर वो कहती हैं कि हमको नहीं चाहिए, तो गोया कि आपने ऐसे हालात पैदा किए हैं तो कहने पर मजबूर है, इसलिए जिम्मेदार आप है। अगर वो कहती हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो आप ऐसे हालात पैदा कीजिए कि वो कहें कि हमको चाहिए, मांगे बल्कि आपसे छीन लें, इस तरह के हालात पैदा कीजिए। और ऐसा बिल्कुल मत कहिए कि उनको नहीं चाहिए, वो माफ करती हैं, इससे छुटकारा मिल जाती है, ये गलत बात है। ऐसा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें, iPlus TV को जरूर डोनेट करें।